Hello, this is Manoj Kumari. Now we are going to start chapter 11. The name of chapter 11 is construction and exercise 11.1 and question number 3rd part 1st. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या है कि इसमें हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, 22.5 डिग्री का और ये 15 डिग्री का। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना है 30 डिग्री का एंगल। देखिए 30 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि 30 जो है वो 60 का हाफ होता है। 30 किसका हाफ होता है, 60 का। तो हमने क्या किया कि एक रे ले ली हमने, यहाँ से ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया ये, इसको नाम दे दिया ओ और इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको क्या नाम दे दिया ए। अब क्या करेंगे, कितना भी कंपास ओपन करो, कितना भी कंपास ओपन करेंगे और हम एक आर्क लगा देंगे। अब उतने ही ओपन किए हुए से हम यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या बना देंगे, एक कट लगा देंगे। तो देखो एक कट करने से एंगल बनता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60 का, और 60 का हम हाफ कर दें तो वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो देख क्या कि हमने एक आर्क लगाई है, यहाँ पर ये कट लगाया है। अब इसको ये 60 डिग्री का मतलब यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ भी कट लगा दो और 60 डिग्री से का जो एंगल ये आया था इससे भी क्या लगा देंगे, हम कट लगा देंगे और इसको हम कर देंगे जॉइन। इसको क्या कर देंगे, जॉइन कर देंगे। तो ये जो एंगल आ गया हमारा कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का एंगल आ गया। इसको नाम दे देते हैं पॉइंट बी। तो एंगल एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या है, 22.5। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है। ये ऐसे भी राइट किया हुआ आ सकता है या ये ऐसे भी राइट किया हुआ आ सकता है कि 22.5 या 22.12 डिग्री या बाइसेक्ट एंगल ऑफ 45 डिग्री, मीन कैसे भी आ जाए। तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखो ये जो एंगल बन रहा है ये 45 का हाफ है। किसका हाफ है, ये 45 का हाफ है। तो 45 कैसे बनता है कि हम 90 को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम। हमने क्या किया कि भाई ओ ए एक क्या ले ली हमने, रे ले ली। अब ऊपर कंपास रखा हमने और कितना भी ओपन किया और एक आर्क लगा दी, उतने ओपन किए हुए से यहाँ पर आर्क लगा दी और इसके ऊपर से आर्क लगा दी और ये ऊपर की तरफ भी ले गए। तो इस तरह से ये जो एंगल बना हमारा ये कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। अब 90 को बाइसेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री का। तो कितना भी ओपन किया हमने कंपास और हमने ये आर्क लगा दी, उतने ही ओपन किए हुए से हमने ये लगा दी। तो अब 90 को बाइसेक्ट करेंगे तो ये जो एंगल बना है ये कितने डिग्री का बना है, 45 डिग्री का। कितने का बना है, ये 45 डिग्री का बना है। अब ये 45 का आ गया लेकिन हमें बनाना है कितना, 22.5 डिग्री का। तो 45 का हाफ होता है, 45 का एंगल देखो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है 45 का एंगल। तो यहाँ पर कंपास रखेंगे, कितना भी ओपन करेंगे और एक आर्क लगा देंगे, लगा दिया आर्क, उतने ही ओपन किए वैसे यहाँ पर रखेंगे और अगेन एक आर्क लगा देंगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बन जाएगा, 22.12 डिग्री ये बन जाएगा। अब इसको नाम दे दो, जैसे इसका नाम दे देते हैं हम, ये नाम दे दिया बी जैसे, और इसको नाम दे दिया सी, और इसको दे देते हैं डी, और इसका ओ। तो ये आ गया एंगल ए ओ डी कितने डिग्री का आ गया, 22.12 डिग्री का आ गया। अब देखिए थर्ड पार्ट,
अब थर्ड पार्ट में क्या है, 15 डिग्री का है। तो देखो 15 किसका हाफ होता है, 30 का। तो मीन 30 डिग्री का एंगल बना के और उसका क्या कर लेंगे हम, हाफ कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। और 30 कैसे बनता है, वो 60 का हाफ होता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल। यहाँ से हमने कोई भी एक रे ले ली और इसको नाम दे दिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट था ये ओ और ये क्या हो गया ए। अब यहाँ पर कंपास रखा हमने ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर कंपास रखा और एक आर्क लगा दी। उतने ही ओपन किए हुए से हमने एक बार कट किया, तो एक बार कट करने से कितना बन गया 60। अब 60 का हाफ कर रहे हैं, देखो हम ये 60 का था और इसका क्या कर रहे हैं हम, हाफ। तो इसका जो हाफ करेंगे वो कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया। कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया। ये 30 डिग्री का, इसको नाम दे दिया जैसे पॉइंट बी नाम दे दिया हमने। अब 30 का हाफ कितना होता है, 15 डिग्री। तो हमने कितना भी कंपास ओपन किया और यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे कंपास की टिप, तो देखो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक 30 का है। तो एक तो हमने यहाँ पर कंपास रखना है और एक हमने यहाँ पर कंपास रखना है और हम इसको ऐसे कर देंगे ज्वाइन। ये बी पॉइंट आ लिया था नाम, इसको नाम दे दिया सी। इस तरह से एंगल ए ओ सी कितने डिग्री का आ गया हमारे पास, 15 डिग्री का। कितने डिग्री का आ गया, 15 डिग्री। तो इस तरह से हमने पहले 60 का बनाया, 60 का हाफ 30 और 30 का हाफ कितना हो गया, 15 डिग्री। तो इसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है।